चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। गुना हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। शिकारी नौशाद खान भी मुठभेड़ में मारा गया है। तो बड़ी खबर, गुना हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है, शिकारी नौशाद खान भी मुठभेड़ में मारा गया है। तो गुना से बड़ी खबर, अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है, शिकारी नौशाद खान भी मुठभेड़ में मारा गया है। तो गुना से बड़ी खबर, अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है, शिकारी नौशाद खान भी मुठभेड़ में मारा गया है। बता दें कि तड़के 3 से 4 के बीच पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इनमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। और इस मामले में अपडेट दे दें, कुछ देर पहले ही प्रशासन की ओर से जो आरोपी थे उनके घरों पर नोटिस भी चस्पा किया गया था बुलडोजर की कार्रवाई का। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुना से तस्वीरें जहां पर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है और शिकारी नौशाद खान भी मुठभेड़ में मारा गया है। गुना हत्याकांड मामले में प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। शासन के आदेश के बाद जेसीबी पहुंची है और उनके ठिकानों को धराशायी किया जा रहा है। जेसीबी के जरिए निर्माण तोड़ा जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है। तो इसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आरोपियों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गुना से, जहां पर आरोपियों के निर्माणों को ढहाया गया है, उनके घरों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। तड़के 3 से 4 के बीच पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी शिकारियों की। इसमें एक शिकारी भी मारा गया है मुठभेड़ के दौरान। और जो बाकी के आरोपी थे उन्हें भी चिन्हित कर दिया गया है और उनके घरों को चिन्हित करते हुए नोटिस भी कुछ देर पहले चस्पा कर दिए गए थे। और बुलडोजर वहां पर पहुंचा है और उनके घरों को धराशायी किया जा रहा है। चले फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके गुना से संवाददाता करण ओझा, उनसे जानेंगे। करण, तस्वीरें हम देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, जेसीबी से कार्रवाई हो रही है। विस्तार से जानेंगे ये आरोपियों के घर कहाँ कहाँ मौजूद थे और क्या कुछ कार्रवाई की गई। जी, बिछोरिया गाँव है सर। हेलो जी, जी बोलिए। हेलो ये करण जी, बिछोरिया गाँव है राहुल के समीप जी। हम तस्वीरों में देख सकते हैं जेसीपी की मदद से जो है ये निर्माण कार्य जो यहाँ पर इनका घर था उसे ढाया गया है, लेकिन अब क्या पुलिस बल भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और कितने घर हैं जो कि आरोपी हैं? 3 से 4 बताए जा रहे थे, और भी कार्रवाई होंगी? 8 से 10 आरोपी है सर जी, उनके घरों को तोड़ दिया गया है और आगे की गिरफ्तारी का काम जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कार्रवाई की, इनके घरों को ढहाया जा रहा है। और संवाददाता में जानकारी देते कि कुल 8 से 10 आरोपी हैं इस पूरे मामले की अगर बात करें तो हम, और लगातार जो घर हैं इनके ढहाए जाएंगे जो भी आरोपी हैं। मुठभेड़ के दौरान 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं तड़के, और इसमें एक शिकारी भी मारा गया है मुठभेड़ के दौरान। और जो बाकी के आरोपी हैं उन्हें भी चिन्हांकित कर लिया गया है और उनके घरों को ढहाया जा रहा है जेसीबी की मदद से। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुना से टीवी स्क्रीन पर।